शाम का टाइम हो और बहुत जोरों की भूख लगी हो तो 2 से 4 मिनट में बनने वाली ये भेल बहुत ही टेस्टी लगती है, जो कि फटाफट से बन जाती है और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। अगर आपका जो ये लाई है, मुरमुरा भी बोलते हैं इसका, अगर ये फ्रेश है तो, पर मेरा मुरमुरा जो है वो पहले का है तो ये थोड़ा सा सौगी हो गया है, कुछ इस तरह से देखिए ये थोड़ा सा सौगी हो गया। तो सबसे पहले इसको हम करेंगे क्रंची, थोड़ा सा कढ़ाई रख करके सूखा ही इसको अंदर डाल देंगे और फ्लेम को हाई कर देंगे और 2 मिनट के लिए बस इसको चलाते रहेंगे जब तक कि ये कुरकुरा नहीं हो जाता थोड़ा सा, क्योंकि भेल में अगर मुरमुरा जो है वो कुरकुरा नहीं है तो मज़ा बिल्कुल नहीं आता। और गाइस ये सिर्फ 2 से 2.5 मिनट में ही बन जाता है, पर मेरा जो लाई था ना वो थोड़ा सा सौगी हो गया था तो मुझे 5 मिनट लगा इसको बनाने में। तो सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा भून लेते हैं अच्छे से, थोड़ा सा ताकि ये करारा करारा हो जाए। देखिए कुछ इस स्टेज तक आना चाहिए, जब हाथों पर लेके आप इसको मस लेंगे ना तो उस तरह से टूट जाएगा अच्छे से। बस हो गया है, थाली में इसको हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं गर्म गर्म ही, और टेस्टी लगेगा जब गरम रहेगा थोड़ा सा। और इसके साथ ही डाल देंगे इसमें कटा हुआ बारीक कटा हुआ प्याज, और इसके साथ ही हरी मिर्च बारीक कटी हुई, तीखा आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कम ज़्यादा अगर चाहिए होगा तो। और इसके साथ ही हम डालेंगे ब्लैक सॉल्ट, काला नमक है ये, और टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इसके साथ ही चाट मसाला जो कि बहुत ही यमी लगता है, जो हमारा भेल है इसके अंदर। और इसके साथ ही हम डालेंगे इसके अंदर नमकीन भर भर के, आपके पास जो भी नमकीन हो आप वही डाल लीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर भुजिया नमकीन हो वो डालिएगा, मेरे पास मिक्स नमकीन थी तो मैंने ये डाला, ये और ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और इसके साथ आधा लेमन निचोड़ देंगे और इसमें काट देंगे हरा धनिया। गाइस बहुत ही यम्मी लगता है, अगर आपको भूख लगी है ना तो चाय के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। बच्चों को भी भूख लगी है शाम में ना तो इनको यही बना के दीजिए कभी कभी, वो बहुत ही पसंद आता है उनको। और वो बार बार इस तरह आपने बना दिया ना तो बार बार आपसे इस चीज़ को बनवाएंगे, मेरी गारंटी है। तो एक बार इस तरह से भेल ज़रूर बना के खाइएगा, मिनटों में तैयार हो जाती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। ऐसी और रेसिपी के लिए मेरे चैनल पर हमेशा बने रहिएगा, हमेशा ऐसी चटपटी वाली रेसिपी आपको मिलती रहेगी जो कि बहुत ही सिंपल और इजी होती है। और मेरे चैनल पे आपको हमेशा इजी वाली ही रेसिपी मिलेगी जो कि फटाफट से बन जाती है और बनने में खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए भैया। आपका फेवरेट है ना, खा के बताओ कैसा बना है। क्रंची कर रहा है, कैसा होना है? खा लो खा लो, हम भी खाएंगे, खा लो।